हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। आज जितने भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। इससे पहले बता दें कि आप अगर हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम का विश्लेषण लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो बता दूं कि संतरा में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव से, किससे अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है और शिकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो बॉक्साइट से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? तो इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए जो पूछा गया, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होती है। तो किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ अंधेरा में उड़ भी सकता है और शिकार भी कर सकता है। इसका कारण क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न पूछा गया कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा है। अगला प्रश्न पूछा कि भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में जो सर्वोच्च चाय है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। कहाँ पे होती है? दार्जिलिंग में। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको विश्लेषण देख कर ही जाना एग्जाम में अति आवश्यक है। किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए आप, कि इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता किस द्वीप पर स्थित है? ये जावा द्वीप पर स्थित है। किस पे? जावा द्वीप पे। अगला प्रश्न, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो पॉल विलार्ड। कौन है? पॉल विलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, रेडियो टेलीविजन में कौन सी किरण उपयोग में आती है? इसमें आती है दीर्घ रेडियो तरंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले किसने दिया? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि समतल कोण का ऐसे मात्रक होता है? तो रेडियम। क्या होता है? रेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कागज हरी किरणों में किस प्रकार दिखाई देता है? ये काला दिखाई पड़ता है। किस प्रकार दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिए आप, निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की गोलाई में क्या परिवर्तन होता है? गोलाई क्या हो जाती है? इसका बढ़ जाती है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न पूछा गया, तैरने में के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आर्कमेंडीज ने की थी। किसने? आर्कमेंडीज ने। अगला प्रश्न देख लीजिए जो पूछा गया कि वर्षा नापने में कौन सा उपकरण काम में आता है? रेन गेज। क्या आता है? रेन गेज बनाया गया है वर्षा मापने के लिए। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये श्रेडिंजर द्वारा। किसके द्वारा? श्रेडिंजर द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, KMnO4MN की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगला है, मूली सलजम सरसों किस कुल से संबंधित है? ये क्रूसीफेरी कुल से क्या है संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो बीज चोल यानी एरिल। क्या कहा जाता है? लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, ये छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे सौरोलॉजी कहा जाता है। छिपकली के अध्ययन को गाय के वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया, यानी बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये बीजमैन ने की थी। किसने? बीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रुक्टोज के कारण होता है फलों का मधुर स्वाद। अगला प्रश्न है, गुड स्पिरिट के नाम से किस अल्कोहल को जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो असम में पैदा होता है सबसे ज़्यादा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में
स्थित है। अगला प्रश्न, जापान का सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो होंसु द्वीप है, जापान की सबसे बड़ी द्वीप होंसु द्वीप है। अगला प्रश्न था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो ये पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। अगला जो प्रश्न पूछा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये नासिक पहाड़ी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। लोयस का पठार है, एक पवनकृत पठार है लोयस का पठार। स्वेज नहर कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र में स्थित है। अगला है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? ये दुनिया का भी सबसे गहरा स्थान, याद रखिएगा, मेरियाना गर्त। क्या बोलते हैं? मेरियाना ट्रेंच। स्वेज नहर किसके बीच में है? किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? ये संविधान संशोधन से है ना। अगला प्रश्न पूछा, 73वां भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे? ये पंचायती राज से है। इसका संबंध महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तीन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। बिंदुसार की संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? था तारानाथ ने। किसने बताया? तारानाथ ने। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न पूछा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? तो वो तमिल और चेरों का। किसका? तमिल और चेरों का व्यापार हुआ। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। कितनी है? 118। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो ये बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अगला प्रश्न, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? आप सभी को पता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शहर को उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो वो इलाहाबाद है। ऑप्शन के हिसाब से इलाहाबाद था। मिट्टी की बारात नामक कविता का संग्रह के लेखक कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एसआई पद्धति से लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? वो द्रव्यमान है। कौन सा है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया? तो वो जयपाल था। कौन था? जयपाल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि होती है? तो लगभग 12 घंटा 26 मिनट अंतर होती है। कील नहर, कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते थे? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है वह कहा, ईश्वर है। इसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? ये दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया। किसने? नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी विश्व में कहाँ है, कहा जाता है? तो ये नील नदी को कहा जाता है। सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी विश्व में किसे कहा जाती है? अमेजन नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमेजन नदी को। अगला प्रश्न था कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु है, जो लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। किससे है? ग्रीन हाउस। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन पर संरक्षण से। याद रखिएगा, दोनों VVI क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ज़्यादातर उसी से संविधान का निर्माण में योगदान मिला है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में। अगला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में पहली बार सामाजिक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव की। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अपनाया गया। अगला, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? वो महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, किसके प्रयास से 1929 सती प्रथा खत्म हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा क्या हो गया? अंत हो गया।
अगला, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित के लेखक भभूति खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो वो की थी राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में एक ए सर्व क्या है? तो ये सिंचाई का कर को ए सर्व कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना एवं धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया? थे गुरु गोविंद सिंह ने। किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजा। अगला प्रश्न, चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालाल था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? ये बनवाई थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यह महाभाष्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। अगला प्रश्न, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हरेक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतवावलंबी क्या कहते थे? तो इसे वो लोग महाभिनिष्क्रमण कहते थे। कहाँ? अगला प्रश्न, कि सल्तनत काल में अश्वमुख अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसे अमीरे आखुर कहा जाता। क्या कहा जाता? अमीरे आखुर। अगला प्रश्न देख लिया, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न, बागी शहजादे खुसरो का आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन देव। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? तो मार्को पोलो ने। किसने किया है? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये बिपाशा। क्या था? ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। सतलज का शतद्रुरी याद रखिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौशाम्बी में थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया था बिंबिसार को, पृथ्वी एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसे 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सन 1929 से लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सभापतित्व में लोकसभा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त लक्ष्य को पारित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्र। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो अब हो गया है भारत का स्थान पहला। क्या हो गया है? पहला चीन, चाइना सेकंड नंबर पे चला गया। वीर लखन नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध है उड़ीसा से। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने। अगला प्रश्न है, पहला जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया था। हरित क्रांति ने किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो उन्नत अनुवांशिकी बीज के लिए वो प्रभावित हुए। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो सबसे पहले हड़प्पा के समय से ही शतरंज खेल का प्रचलन था। किसका था? शतरंज खेल का प्रचलन था। तो रंगभूमि, पहला प्रश्न पूछा गया, रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इन सभी उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वेटिंग फॉर ए बीजा किसकी आत्मकथा है? ये है भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म क्या कर लिया था? अपना लिया था। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का विशाल भंडार था मगध में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर। पिछले सिप्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था पिछले दिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 324। क्या है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न था, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो वह है अनुच्छेद 169 के अनुसार बनाई या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो वो रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। ये प्रश्न आज समय भी पूछा गया। अगले, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी क्या थी? उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, अभी तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसका विश्लेषण हम लेकर आए हैं, और हमारे पास अगर शाम तक और प्रश्न आता है हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कमेंट में भेजते हैं, तो हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।